नमाखों से मां को दी जा रही विदाई, कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा दुर्गा पूजा विसर्जन। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद विदाई की बेलाई, मां से दूर होने का गम कमोवेश हर भक्तों के अश्रुपूरित आंखें अस्पष्ट बता रही थी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने काफी मायूसी के साथ माता को विदा किया। वही विसर्जन उत्सव को लेकर पूरा शहर मां की अंतिम विदाई के दौरान हर चौक चौराहे पर उमड़ पड़े। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर आज पूरे शहर में एक तरफ जहां भक्तों की आंखें नम है, तो वहीं दूसरी तरफ मां को अगले वर्ष आने का उल्लास देखते बन रहा है। भक्तगण नम आंखों से मां आदि शक्ति को विदा कर रहे हैं। इधर माता भगवती की प्रतिमा के विसर्जन का दौर शहर के पर्वती दुर्गा से शुरू हुई, उसके बाद एक एक कर शहर की सभी प्रतिमाएं क्रमबद्ध होकर विसर्जन को मायागंज क्षेत्र अंतर्गत मुसहरी घाट में विसर्जन हो रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना है। लोगों के हुजूम को देखते हुए जगह जगह बैरिगेटिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर विसर्जन रूट पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे, रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ जवान और जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्या, एसडीओ धनंजय कुमार, सर्जेंट मेजर केके शर्मा खुद मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता भी विसर्जन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। विसर्जन शोभा यात्रा, बच्चे युवतियां व महिलाएं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर डांडिया नृत्य करते हुए शामिल दिखे विसर्जन शोभा यात्रा में। भागलपुर मोहदी नगर दुर्गा मंदिर में काफी जोश श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने विसर्जन शोभा यात्रा निकाला। यहां अभी हम लोग स्टेशन चौक पर शांति समिति के द्वारा जो पंडाल लगाया गया, दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पंडाल लगाया गया, यहाँ पर बैठ के सारी सुरक्षा व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। शहर में तमाम महत्वपूर्ण संवेदनशील जगहों पर पैरामिलिट्री, बीएसएफ और जिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभी कुछ प्रतिमाओं का विसर्जन का रास्ते जुलूस रास्ते में है, कुछ देर में यहाँ स्टेशन चौक पर पहुँचेगा। सभी प्रतिमाएं जब यहाँ एकत्रित हो जाएंगी फिर यहाँ से विसर्जन घाट के लिए प्रस्थान करेगा। सभी जगह सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, कैमरामैन सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, दंडाधिकारी लोग प्रतिनियुक्त हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आगे रहती है वो भी स्टेशन चौक पर पहुंचने वाली है। हम लोगों ने विसर्जन का जो रूट है सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्टैटिक डिपोजिशन कर रखा है। थाना अध्यक्षों और सब इंस्पेक्टर्स और एसडीपीओज को निर्देश दिया गया कि सभी मूर्तियों को पुलिस स्क्वाड के साथ ही विसर्जन हो।